हेलो चिल्ड्रन, इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट C3 साइकिल। नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट C4 साइकिल। व्हाट इज C4 साइकिल? दिस साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय हैच एंड स्लेक, सो इट इज आल्सो नोन एज हैच एंड स्लेक साइकिल। एंड व्हाई इज इट कॉल्ड C4 साइकिल? बिकॉज इन दिस साइकिल फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, दैट इज 4 कार्बन कंपाउंड। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन दिस साइकिल, देयर फोर इट इज नोन एज C4 साइकिल। वेयर एज इन C3 साइकिल PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वॉज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, सो दैट वॉज नोन एज C3 साइकिल। दिस साइकिल इज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन शुगर केन प्लांट, दैट इज डिस्कवर्ड बाय हैच एंड स्लेग बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव CO2, यानी कार्बन जो था उसमें रेडियो एक्टिव कार्बन यूज किया था। अपार्ट फ्रॉम शुगर केन इट इज ऑल्सो फाउंड इन अदर मोनोकॉट, एग्जाम्पल पर्ल मिलेट, सॉर्गम, एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन डायकॉट, Amaranthus and Euphorbia are example of dicot which have C4 cycle. And what is special features of C4 plant? Why जो C3 cycle इसमें नहीं होता है? Why? Because they have Krenz anatomy. And what is Krenz anatomy? It is a special leaf anatomy which is slightly different from C3 प्लांट, यानी हम जो डाइकोट प्लांट्स हैं उनमें थोड़ी सी डिफरेंट होती है ये क्रेंज एनाटॉमी। इसमें डिस्कस करते हैं व्हाट इज सी क्रेंज एनाटॉमी। C3 साइकिल, जो C4 साइकिल में क्रेंज एनाटॉमी हम देखें, लीफ की जो ये है अपर लेयर, अपर एपिडर्मिस, इट इज कवर्ड विथ क्यूटिकल, दिस इज अपर एपिडर्मिस। Below the epidermis, ground tissue present. That ground tissue is called mesophyll. If we make difference from other dicot plant, we can see mesophyll is differentiated into two types of tissue, palisade and spongy tissue. But here in Krenz anatomy, there is only one type of mesophyll tissue. In center, this is vascular bundle. And vascular bundle ke outside, ये एक सेल, एक लेयर, सिंगल सेल लेयर एक प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड बंडल शेथ सेल। एंड बंडल शेथ सेल इज सराउंडेड बाय मेसोफिल सेल, दिस इज मेसोफिल, मेसोफिल एंड दिस इज बंडल शेथ, एंड हेयर lower epidermis is present, lower epidermis। देखिए C4 cycle जो है वो किन किन cells में होता है? C4 cycle is present in, ये तो mesophyll तो tissue को कहते हैं, mesophyll में ये जो cell है single क्या है cell, mesophyll cells और bundle sheath cell में, ये two parts में यानी two cells में ये perform होता है C4 cycle। अब यहाँ पे क्रेंज एनाटॉमी मीन्स क्या है कि यहाँ पर ये क्राउन के जैसे, क्रेंज मीन्स अ क्राउन, यहाँ पर ये जो पूरे वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ ये जो मेसोफिल है क्राउन के जैसा है, इसलिए इसे कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स हैं, यानी स्पॉन्जी और इसमें डिवाइडेड नहीं है, ये पैलिसेड में सिमिलर है। मेसोफिल जो सेल हैं उनमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट। जो मेसोफिल प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वो स्मॉलर होता है साइज में, स्मॉलर इन साइज एंड लेस इन नंबर, एंड लेस इन नंबर। वेयर इज इन बंडल शीट सेल क्लोरोप्लास्ट इज लार्जर इन साइज एंड मोर इन नंबर,
कि इनमें ये जो साइज जो है क्लोरोप्लास्ट का लार्ज भी होता है और उनका नंबर भी ज़्यादा होता है। बट यहाँ पर ये जो बंडल शीथ सेल है इसके अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो विदाउट ग्रेना है, यानी वहाँ पे ग्रेना एब्सेंट है, विदाउट ग्रेना। और बंडल जो मीसोफिल सेल है स्मॉलर है उनका क्लोरोप्लास्ट, लेस है नंबर में और ग्रेना प्रेजेंट है। यहाँ पर ये जो बोथ सेल्स हैं ये अटैच रहती हैं प्लाज्मोडेस्माटा से। प्लाज्मोडेस्माटा वो जंक्शन है, आपने देखा होगा पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जो सेल वॉल जो होती है उसके सेल वॉल के बिटवीन यानी टू सेल्स के बिटवीन यहाँ पर गैप होता है। ठीक है, यहाँ पर जो सेलुलोज और पैक्टिन की थिकनिंग नहीं होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करती है, जो मटेरियल एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। तो जो C4 साइकिल में जो ये CO2 फिक्सेशन होगा तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये टू सेल्स में कैसे हो रहा है। अब हम ये पढ़ते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी इज क्लियर। यहाँ पे ये मीजोफिल सेल है, ये बंडल शीथ सेल है। बंडल शीथ किसको सराउंड कर रही है, जैलम एंड फ्लोएम। एंड बंडल शीथ इज ऑल्सो सराउंडेड बाय मीजोफिल। मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट स्मॉल है और उनका नंबर कम है, बट इट इज़ विद ग्रेना, वेयर इज इन बंडल शीथ सेल लार्जर क्लोरोप्लास्ट है, मोर इन नंबर एंड विदाउट ग्रेना। नाउ वी सी द प्रोसेस ऑफ C4 साइकिल। ये स्टूडेंट यू कैन सी टू सेल्स, अपर सेल इज मीजोफिल, मीजोफिल सेल एंड लोअर सेल इज बंडल शीथ सेल। बोथ सेल आर कनेक्टेड, दिस स्पेस इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये तो सेल वॉल है और ये जो गैप है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। अब जो ये C4 प्लांट्स हैं उनमें स्टोमेटा के थ्रू CO2 एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, एटमोस्फेरिक CO2 एंटर्स इन लीफ ऑफ C4 प्लांट। अब यहाँ पर C4 जो CO2 है ये मीजोफिल सेल ने इसे एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ पर PEP क्या है, यहाँ पर एक ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है किसमें, C4 प्लांट्स। तो फर्स्ट ये जो CO2 एक्सेप्ट कर रहा है ये कौन कर रहा है, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। इसने क्या एब्जॉर्ब किया, CO2 एब्जॉर्ब किया और ये क्या बना लेगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट दैट इज ऑक्जिलो एसिटिक एसिड। इट इज 4 कार्बन कंपाउंड, हैज इट इज नोन एज C4 साइकिल। दिस ऑक्जिलो एसिटिक एसिड इज रिड्यूस्ड इंटू मैलिक एसिड। देखिए अभी ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, मीजोफिल सेल, यानी PEP कहाँ प्रेजेंट था, PEP कहाँ प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल में। PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ने CO2 एक्सेप्ट की एंड फॉर्म ऑक्जिलो एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, कार्बोक्सिलेज मीन्स होता है जो कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, CO2 एक्सेप्ट कर रहा है, CO2 को ऐड कर रहा है, उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। और कुछ एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शन बेस्ड होते हैं इसलिए इसका नेम है कार्बोक्सिलेज। और इसमें सब्सट्रेट क्या था, ये PEP, सो एंजाइम का नेम है PEP कार्बोक्सिलेज। PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्जिलो एसिटिक एसिड बना, ये रिड्यूस हुआ मैलिक एसिड में। अब मैलिक एसिड इज पास्ड इन टू बंडल शीथ सेल। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो, डीकार्बोक्सिलेशन होगा मीन्स CO2 रिलीज हुई। CO2 रिलीज हुई कहाँ पे, बंडल शीथ सेल में, और यहाँ पर क्या बना, पाइरुवेट। ठीक है, क्या बना यहाँ पे, पाइरुवेट एसिड। अब ये पाइरुविक एसिड जो है ये कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इट पासिस बैक इनटू मीजोफिल सेल। पाइरुवेट
जैसे पाइरूविक एसिड भी कह सकते हैं, ये मेसोफिल सेल में ट्रांसफर हुआ, और एटीपी की प्रेजेंस में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की प्रेजेंस में, यानी इसमें फॉस्फेट अटैच हुआ, और फॉस्फेट अटैच होते ही एटीपी क्या बन गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट इसमें अटैच हो गया, और ये क्या बन गया, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, यानी दिस फॉस्फोइनोल पाइरूवेट इज रेडी टू अगेन टू एक्सेप्ट अनदर CO2 फ्रॉम एटमोसफेयर. सो हेयर वी कैन सी दिस CO2 इज रिलीज, इट एंटर्स इंटू C3 साइकिल, इट एंटर्स इंटू C3 साइकिल इन बंडल शीट सेल. एंड वॉट इज C3 साइकिल, वेन CO2 इज एक्सेप्टेड बाय RUDP मीन्स राइबुलोज डाइफॉस्फेट, राइबुलोज डाइफॉस्फेट. राइबुलोज डाइफॉस्फेट कहाँ प्रेजेंट है, इस बंडल शीट सेल में प्रेजेंट है, और ये CO2 को एक्सेप्ट करके यहाँ पर क्या स्टार्ट कर देता है, C3 साइकिल, और उसका रिजल्ट क्या होता है, हेक्सो शुगर. हेक्सो शुगर मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इस बंडल शीट सेल में ही हो रहा है, ठीक है. और रिमेनिंग क्या था, ये पाइरूविक एसिड इज रिटर्न इनटू मेसोफिल सेल, वेयर फॉस्फो, जो फॉस्फोराइलेशन हुआ इसका, और ये क्या बना लिया इसने, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट. तो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट CO2 को एक्सेप्ट करता है, और ये साइकिल कंटिन्यू रहे. अब यहाँ पर क्या है, देखिए अब इसमें कुछ बातें याद रखनी है कि दिस साइकिल हाउ डिफर फ्रॉम C3 साइकिल. देखिए C3 साइकिल में क्या होता है, वो मीजोफिल सेल में ही उसका पूरा प्रोसेस होता है. यहाँ पर फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर क्या है, फॉस्फोइनोल पायरेवेट, और C3 साइकिल में क्या था, RUDP, राइबुलोज डाइफॉस्फेट. यहाँ पे राइबुलोज डाइफॉस्फेट कहाँ प्रेजेंट है, बंडल शीथ सेल में, और C3 साइकिल में कोई बंडल शीथ सेल का कोई जो इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ठीक है. तो यहाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक. अब हम देख लेते हैं कि C3 और C4 में क्या डिफरेंस है. इस जंक्शन को भी आप लेबल कर सकते हैं, दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा. रिपीट आपको अगर देखना है तो वीडियो को आप थोड़ा सा रिवाइज जो है बैक करके आप देख सकते हैं क्या था ये, फॉस्फोइनोल पायरेवेट, ऑक्जिलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, इट कम्स इनटू बंडल शीट सेल, हेयर डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स, CO2 इज रिलीज एंड पायरेविक एसिड इज फॉर्म, दिस पायरेविक एसिड इज रिटर्न इनटू मेसोफिल सेल एंड रिएक्ट विद ATP एंड फॉर्म फॉस्फोइनोल पायरूवेट. CO2 एक्सेप्टेड बाय राइबुलोज डाइफॉस्फेट एंड फॉर्म हेक्सो शुगर. क्लियर स्टूडेंट, व्हाट अ डिफरेंस बिटवीन C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स. ये हम कहेंगे C3 साइकिल और C4 साइकिल में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल C3 साइकिल फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. एंड इन C4 प्लांट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन कंपाउंड, दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड. दिस साइकिल इज फाउंड इन ओनली मेसोफिल सेल, बट C4 साइकिल इज फाउंड इन मेसोफिल प्लस बंडल शेथ सेल, बंडल शेथ सेल. इन दिस C3 साइकिल फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इज राइबुलोज डाइफॉस्फेट, एंड हेयर C4 प्लांट और C4 साइकिल फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड और पाइरुवेट. यहाँ पर एंजाइम कौन सा प्रेजेंट होता है, रुबिस्को. रुबिस्को मीन्स राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, एंड हेयर PEP कार्बोक्सिलेज इज इन्वॉल्व. फोटो रेस्पिरेशन इज इसमें प्रेजेंट है और यहाँ पर एब्सेंट है.
देखिए ये फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन, इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट इस यहाँ पर एक थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। फोटो मीन्स होता है लाइट, रेस्पिरेशन मीन्स ऑटो की प्रेजेंस, मतलब ऑटो एब्जॉर्ब करना। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पर प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, बट रेस्पिरेशन उनमें वैसे ही होता है कि वो O2 एब्जॉर्ब करते हैं। अगर लाइट की प्रेजेंस में यानी फोटो रेस्पिरेशन O2 एब्जॉर्ब ज़्यादा करने लग जाए, यानी फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और फोटोसिंथेसिस रेट लो हो गई यानी उनको फूड कम मिल रहा है कि उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो कई बार क्या होती है, जो C3 प्लांट्स हैं उनको फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए हायर कंसंट्रेशन रिक्वायर होती है CO2 की कंपेयर टू C4 प्लांट, तो इसलिए उनकी जो प्रोडक्टिविटी लो है एज़ कंपेयर टू C4 प्लांट, बिकॉज फोटो रेस्पिरेशन तो प्रेजेंट है ही एंड दे एक्टिवेट, यानी इसमें से जो RUDP एक्टिवेट होता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की प्रेजेंस में ही होता है, एंड हेयर लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट PEP, यानी PEP जो है फॉस्फेनॉल पाइरवेट है, ये लो कंसंट्रेशन CO2 पर भी एक्टिव हो जाता है, और इनमें फोटो रेस्पिरेशन यानी लाइट के प्रेजेंस में रेस्पायरेशन एब्सेंट है। सो रेस्पायरेशन यहाँ पे एब्सेंट है तो इनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, हाँ ये बिकॉज लो कंसंट्रेशन CO2 पर ये एक्टिव हो रहा है, सो हाई प्रोडक्टिविटी में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। C3 जो प्लांट्स हैं इनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 10 to 25 डिग्री सेल्सियस, 10 to 25 डिग्री सेल्सियस, और जो C4 प्लांट्स हैं ये 30 to 40 डिग्री सेल्सियस पर इनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो अगर हम बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखें तो C4 प्लांट्स आर बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट देन C3 प्लांट, तो हम कह सकते हैं कि C4 प्लांट आर मोस्ट सक्सेसफुल इन ट्रॉपिक्स। वाई? बिकॉज C4 प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस इन लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2, फर्स्ट रीज़न तो ये है। सेकेंड इज जो PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है लो कंसंट्रेशन पर, एंड थर्ड ये इस टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी 30 to 45 डिग्री सेल्सियस भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। सो C4 प्लांट इज मोर बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट और सक्सेसफुल इन ट्रॉपिक्स। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास यहीं पर, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो हमारा C4 जो हमने स्टार्ट किया था, ये जो CO2 फिक्सेशन के हम 3 वेज पढ़ रहे थे, फर्स्ट हमने पढ़ा C3 साइकिल, सेकेंड आज हमने पढ़ा C4 साइकिल, एंड नेक्स्ट एक कैम CAM क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज, वो थर्ड टाइप का CO2 फिक्सेशन हो गया प्लांट्स में, उसमें क्या स्पेशल करेक्टर्स होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।